प्रश्न यह है कि जब से मनुष्यों के समाज में औपचारिक स्कूलों के माध्यम से शिक्षा और विकास, बच्चों का अगली पीढ़ी के विकास की संभावनाएं उत्पन्न हुई, जब से इस तरह का व्यवहार समाज में आया कि पीढ़ी को सामान्य परिवार में अपने परिजनों के बीच सीखने सिखाने के अलावा कोई एक व्यवस्था नियोजन करके नियोजित करके अलग से कोई चीज बनाई जाए और औपचारिक रूप से उनका शिक्षण, सामाजिक शिक्षण, पारिवारिक सीखने सिखाने, सांस्कृतिक रूप से एक संस्कृति के बीच रहते हुए सीखने के अतिरिक्त एक औपचारिक व्यवस्था संस्था व्यक्ति के द्वारा सिखाया जाना चाहिए। ये प्रक्रिया जब से आई तब से स्कूलों का निर्माण, उसको हम स्कूलों का निर्माण का काल कहते हैं, स्कूल बनने लगे औपचारिक शिक्षा। और स्कूलों के इतिहास में, औपचारिक शिक्षा के इतिहास में पहले दिन से राजनीतिक प्रश्न बीच में था। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे द वेरी पॉलिटिकल क्वेश्चन, किसको औपचारिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है, किसको नहीं की जानी चाहिए, किसको इस तरह के शिक्षण को प्राप्त करने का अधिकार होगा और किनको अधिकार नहीं होगा। जैसे ही स्कूल एक ऐसी स्थिति में आए औपचारिक शिक्षण जिसके माध्यम से भावी पीढ़ी बच्चों के योग्यताओं क्षमताओं का निर्माण की के रूप में उनको देखा गया, ऐसी योग्यताएं क्षमताएं जो भविष्य में उनके स्टेटस और स्टेक्स को डिसाइड करने वाली थी, वहीं से हमारे समाज ने राजनीतिक रूप से ये निर्णय लिया कि औपचारिक स्कूलिंग इज ए प्रिविलेज नॉट राइट। सबसे पहला स्कूलों के बारे में डिसीजन यह है, स्कूल की शिक्षा एक विशेषाधिकार है। स्कूल से मतलब औपचारिक स्कूल, विशेषाधिकार है। इट इज ए प्रिविलेज ऑफ द एलिट, कुलीन वर्ग का, ये कुलीन समय काल और देश के साथ अलग अलग ढंग से परिभाषित हुए है। किस जगह पे किसको कुलीन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, जेंडर के बहुत सारा एक मिक्स है जिसके आधार पर हर समाज ने अपने अपने समय काल में और बदलते हुए इस कुलीन को परिभाषित किया है कि वो कुलीन कौन है, हु इज द एलिट जिसके बच्चों को विशेषाधिकार शिक्षण का होना है। द रिमेनिंग मास जो एलिट नहीं है दे शुड बी प्रोहिबिटेड बाय फोर्स नॉट टू टेक फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा उनको प्राप्त नहीं होनी चाहिए, उनके ऊपर निषेध होना चाहिए। ये वो किसी का जन्मजात अधिकार नहीं है कि मनुष्यों का बच्चा इसलिए चलाया है स्कूल में। ये यहां से स्कूलों का इतिहास शुरू होता है और ये इतिहास मेरे देश मेरे प्रदेश का इतिहास नहीं है, ये इतिहास पूरी मनुष्यों के समाज का इतिहास है, पूरे विश्व में है ना। राजनीतिक देश की बाउंड्रियों की बात भूल जाइए, हमारे देशज इतिहासों को भी भूल जाइए, ये सभी समाजों में ये स्थिति रही है कि जैसे ही स्कूली औपचारिक शिक्षा जैसी बात के बारे में समाज सोचने विचारने लगे तो दे डिसाइडेड पॉलिटिकली। मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ वो अरस्तु की पॉलिटिक्स की परिभाषा आ रही है, कहता है स्कूल वाज ऑर्गेनाइज ऑन पॉलिटिकल लाइंस, कि ये सबका अधिकार नहीं है, ये विशेषाधिकार है और निषेध है शेष के लिए, सभी निम्न जातियों के लिए, सभी गरीब लोगों के लिए, सभी मेहनत कश लोगों के लिए और नारियों के लिए। This is not a right. It is not their right. If they will try to attempt, the state and the force of the state will see कि ये ना हो, ये नियम कानून सब आके बने, ये सारे ये। और मित्रों, ये अचंभे की बात नहीं है, ये यथार्थ है कि जिस स्कूली व्यवस्था के हम शिक्षक हैं उस स्कूली व्यवस्था का बहुत बड़ा सर्वाधिक बड़ा काल इस ही राजनीतिक दृष्टिकोण से रहा है। जब से स्कूल आप मान लें, कब से स्कूल शुरू हुए होंगे तो उनका जो सब सालों में गिनती करें आप, तो सबसे बड़ा काल वो है जबकि बच्चों की औपचारिक शिक्षा वाज ए प्रिविलेज एंड इट वाज प्रोहिबिटेड फॉर द मासेस। ये सबसे बड़ा काल है जिस स्कूल के हम आज के पायदान पर आए हैं, आज के जगह पर जहाँ आए हैं वो ये है। और ये पूरी की पूरी जो टसल है, ये पूरा की पूरा जो द्वंद्व है वो इस चीज के ऊपर द्वंद है। और हजारों वर्षों के बाद कहीं 17वीं 18वीं 19वीं
और प्रमुख रूप से 19वीं और 20वीं शताब्दी के आसपास मनुष्य चेतना में ये बात और सारे राजनीतिक प्रश्नों के साथ आने लगी। जैसे जैसे हमारी चेतना कहीं असमानता, गैर बराबरी को न्याय संगत ठहराने पर प्रश्न खड़ा करने लगी, वहीं से ये प्रश्न साथ साथ खड़ा हुआ कि क्या बच्चों की शिक्षा किसी वर्ग विशेष का अधिकार होना चाहिए। नहीं, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा 200-250 साल पुरानी, 250-300। ये महज 19वीं और 20वीं शताब्दी में जाके ये बात उठने लगी कि ये अन्याय संगत है, इस तरह का सोच न्यायपूर्ण नहीं है। और इसकी सबसे प्रमुख अभिव्यक्ति दुनिया भर में सामंती समाजों की व्यवस्थाओं के विरुद्ध, औपनिवेश समाजों की व्यवस्थाओं के विरुद्ध सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक बराबरी के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलनों के दौर में ये 20वीं शताब्दी का पहला अर्ध है, पूर्वार्ध। मैं ये पूरी चीज की चर्निंग ऐसी हुई कि हमारे जैसे देश भी जब हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए और जो हम 1949-1950 के आसपास पहुंचते हैं, सिलसिला करीब 100 वर्ष पहले शुरू होता है हमारे देश में भी, लगभग 100 साल पहले तिलक के नाम से ज्यादा मशहूर है कि उन्होंने ये प्रस्ताव रखा अंग्रेजों की सरकारों के सामने कि दे शुड मेक ए लॉ जिसमें कि भारत के, हमारे देश के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सरकार के द्वारा लागू की जानी चाहिए। दिस रिजोल्यूशन केम 100 ईयर्स अगो इन आवर कंट्री, हमारे देश में, जिसको अभी अपन ये एक्ट के रूप में कहते हैं, एक्ट ऑफ, इसकी शुरुआत कहीं कितने साल पहले दुनिया में बदली, हजारों सालों के एक दौर पर प्रश्न लगाते हुए ये बात जब हम यहाँ, अच्छा हमारे यहाँ नहीं उठी, सारी दुनिया में उठी, बाद में 30-35 के कांग्रेस के प्रस्ताव में दे बिकम दी सेंट्रल डिमांड। और कांग्रेस पार्टी को आज की कांग्रेस पार्टी से ना जोड़ें कृपया, है ना, वो राष्ट्रीय आंदोलन का एक साझा मंच था जिसमें सभी तरह के विचार और मतों के लोग एक साथ थे। उनकी ये केंद्रीय मांग थी कि अगर हम स्वतंत्र होंगे और हमारा अगर राज्य बनेगा तो हम देश के सभी बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की प्रबंध करेंगे। ये 1935 के आसपास की स्थिति, जब हम स्वतंत्र हुए, संविधान बनाने में ये जब बहस हुई कि ये जो मांग हम कर रहे हैं 20-30 साल से अंग्रेजी राज से, औपनिवेशिक शासकों से कि आप ये अधिकार दीजिए, हमें क्या करना है, अब अपना संविधान बना रहे हैं, तो देखिए पहली बार हमने करवट बदली और मुकर गए। वो कहा कि नहीं नहीं ये शायद नहीं हो पाएगा, इसको मूल अधिकार मत बताइए, ये राज्य की दायित्व मत बताइए कि वो सबका सबके लिए सब करेगा, इसको नीति निर्देशक तत्वों के चैप्टर में डाल दिए कि राज्य ये प्रयास करेगा कि सारे बच्चों को शिक्षा व्यवस्था की जा सके, वो ऐसी नीतियां बनाएगा, है ना। ये करीब 100 साल पहले एक बात शुरू हुई, हजारों सालों के इस अन्याय के विरुद्ध एक बात उठ रही थी कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा विशेष अधिकार नहीं है। ये हम इस दौर में आए पर हमने कहा हम कोशिश करेंगे, बहुत जेन्युइन बड़ी कोशिश भी हुई, ये बात भी नहीं है कि महज कहा गया। 1950 से लेके ये उत्तरार्ध जो है 20वीं शताब्दी का, उसमें असंख्य स्कूल, सार्वजनिक स्कूल खोले गए। और खोले गए सार्वजनिक स्कूल खोलने का मतलब क्या था, पॉलिटिकली दिस सिचुएशन वाज रिवर्स, और ये कहा गया बिल्कुल ये बात नहीं है, ये स्कूल सबके लिए खुले हैं, यहां अवसरों की समानता का सिद्धांत लागू हुआ। अवसरों की समानता है स्कूल, स्कूल किसी भी आधार पर किसी भी बच्चे के स्कूल में प्रवेश और प्रवेश के माध्यम से औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार में कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये नीति भारत के, स्वतंत्र भारत के राजनीतिक संविधान की मूल भावना के तौर पर आई। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी
फैक्टर इन देयर बैकग्राउंड, उनके बैकग्राउंड के किसी भी कारण से उसको रोका नहीं जाएगा। समान अवसर है? तो विशेष अधिकार से निषेध को हम तोड़कर हजारों वर्ष बाद दुनिया के साथ साथ हमने ऐसा एक संविधान का वर्ण किया, एक राजनीतिक निर्णय स्कूली शिक्षा के बारे में लिया, जो अपने आप में एक जगह बड़ा युग को परिवर्तित कर रहा था। एंड उसी दौर में आप और हम सब, आपने सबने अध्ययन किए हैं, शिक्षा शास्त्र का अध्ययन किया है, शिक्षा के इतिहास का अध्ययन किया है, यहां से लेके 60-70-80 ये सब समान अवसर हुए, लेकिन भारत देश में प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन 50% से ज्यादा नहीं बढ़ा। इवन द फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन वाज लाइक दैट कि किसी पर प्रतिबंध नहीं है, सबको समान अधिकार है, कोई भेदभाव नहीं है, स्कूल भी खोले गए, नंबर वन जो चीज थी, अध्यापक भी लगाए गए, लेकिन 30-40 वर्ष तक स्थिति ये रही कि सारे बच्चे स्कूलों में आए ही नहीं, और इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग 50-60% से ज्यादा बच्चे स्कूलों में नामांकित नहीं हुए। द इक्वल नंबर रिमेन्ड आउट ऑफ स्कूल डिस्पाइट दिस मेजर चेंज इन द रिगार्डिंग द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने खोला, लेकिन इंक्लूजन, वास्तविक इंक्लूजन नहीं हुआ, व्यवहार में इंक्लूजन नहीं हो सका। देर वर सीरियस conditions in the background of the children which were working as the deterrent and the barriers ki school kyon bhejein, school na kyon na bhejein, kyon nahi bhej sakte, wo karak itne prabhavi rahe ki schoolon mein bacche bawajood iske nahi aaye। Mitro, is saal tak soch yahan se badla visheshadhikar nahi hai, yahan jaake badla, lekin afsaron ki samantra ki baat kahi gayi, lekin एक बात नहीं बदली गई कि बच्चों को शिक्षित करवाने का, स्कूल भेजने का जो मूल दायित्व है वो बच्चे का और बच्चे के परिवार का है। दायित्व परिवार का है कि बच्चों को स्कूल भेजे, शिक्षित करवाए। हमने उनके गांव में स्कूल खोल दिया है, उस गांव के जो अध्यापक हैं वो किसी को भी रोकते नहीं है, जात पर, पात पर, लिंग के आधार पर, गरीबी अमीरी पर किसी को टोकते नहीं है। ही इज ओपन और शी इज ओपन टू टीच एवरीबडी, लेकिन दायित्व अंततः परिवार का ही है। और यहां से देखिए, एक दो शताब्दियों में ना केवल भौतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक उन्नतियां ही बहुत विशाल हुई हैं, लेकिन मनुष्यों के सोच और चिंतन में भी बहुत ही युगांतकारी खलबली हो रही है, बहुत बेचैनी है पहले से जो चल रहा था उसके प्रति। और ये देखिए, बार बार साथी मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारी, केवल हमारे प्रदेश, हमारे देश की बात नहीं है, ये समूची मानवता और सभी देशों की बात है। ये सब परिवर्तन सभी देशों में हो रहे थे, आगे पीछे है? देखा देखी एक दूसरे के साथ, कैसे मान लो आप उसको, परंतु एक छोटे से काल में 50-60-70 वर्षों में 70,000, 50,000, 10,000 जितना भी आप माने उस काल को, उससे हम बाहर निकल रहे थे। ये बहुत तेज गति है, 5-10 हजार के समय काल के पूरे चीज को 50-60 वर्षों में उलट पुलटना बहुत तीव्र गति है मनुष्यों के चेतना के अंदर। यहाँ ये समान अवसर आए, लेकिन इंक्लूजन नहीं हुआ, हमारे आधे से बच्चे भी स्कूलों में नहीं आ पाए। माना यह जाता रहा कि यह दायित्व परिवारों का है। हमारे सामने ये प्रश्न उठने लगे कि एक समृद्ध जनतांत्रिक समाज के रूप में 21वीं शताब्दी की ओर अग्रसर हो रही मानव जाति की संस्कृति और चेतना के रूप में क्या यह समाज इस स्थिति को स्वीकार करता है कि उसके आधे से बच्चे स्कूली शिक्षा और स्कूली शिक्षा से विकसित और बढ़ने और योग्य होने से वंचित रहे। इस कारण से, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे समाज को अभी भी बनाए हुए रखा है कि वहां मां बाप अपनी XYZ परिस्थितियों और स्थितियों के कारण बच्चों की शिक्षा के बारे में सोच समझने में और प्रयास करने में असमर्थ हैं। ये व्यक्तिगत स्थिति है,
एक है कोई आदमी देश में, 20 है, 50 है, अगर आधे लोग ऐसे हैं तो ये प्रश्न व्यक्तिगत है या सामाजिक राजनीतिक प्रश्न है? क्या आपने एक सामाजिक राजनीतिक प्रश्न है, वाई सच ए मेजोरिटी इज स्टिल इन ए सिचुएशन? आप ये तो मानेंगे ही ना कि सभी इंसानों की बात छोड़ दो, हमारे आसपास जो चिड़िया और जानवर रहते हैं वो भी अपने संतानों को पालने पोसने का किला अख्तियार करते हैं, उतनी देखभाल करते हैं। इंसानों में इंसान होने के नाते कोई नहीं है एक भी जो अपनी संतति की रक्षा, सुरक्षा और समृद्धि के लिए सोचता नहीं है, स्वप्न नहीं लेता है। मित्रों, बात यह है कि एक इतनी जो सामान्य बात है, हम ही और आप ही अच्छे माता पिता नहीं है? हम और आप ही अपने बच्चों को प्यार करते हैं ऐसा नहीं है? सभी करते हैं, पर इतनी जो सहज मानवीय बात है उसके लिए भी लोग क्रियाशील नहीं हो पाते, ऐसी कैसी बाध्यता है? जीवन की ऐसी कौन सी स्थिति है, ऐसा कौन सी मनोदशाएं हैं, और ये कौन सी स्थितियों से उत्पन्न हो रही मनोदशाएं हैं जो वो अपने बच्चों को ये जानते हुए भी कि अब निरक्षर रहना, अब स्कूली शिक्षा से संपन्न ना होना 50 साल पहले और 100 साल पहले के निरक्षर होने से बहुत अलग है। हमारी तो माता जी निरक्षर ही थी, और हम उनके माता पिता को कहें तो सभी माता पिता ही निरक्षर थे, और बढ़िया चल रही थी जीवन। है बढ़िया का मतलब है भाई जैसा चल सकता था उस जमाने में वैसा चल रहा था, जी रहे थे और खुशी थी। 50 साल बाद जगह वहां पहुंच गई है, अब निरक्षर होने का, स्कूली शिक्षा की योग्यताओं से औसत स्तर पर योग्य नहीं होने का अर्थ है कि शायद आप जी सकने के योग्य ही ना रहें। ये स्थिति है, अब निरक्षर और स्कूली शिक्षा में योग्य होने का ये मतलब है। और अगर किसी देश के 50% बच्चे ऐसी स्थिति में हैं, तो उस देश का कौन सा भविष्य है? वो देश कौन से न्यायपूर्ण सपने देख रहा है? कैसी समृद्धि की कल्पना आप कर रहे हो? और अगर मानव जाति पूरी को लो, आप देशों को छोड़ दो, तो मानव जाति की ये कैसी दारुणीय स्थिति है, कैसी असंगत सी स्थिति है। एक तरफ आपने असंभव को संभव बना लिया, अब तो लोग टेस्ट ट्यूब में जीवन बनाने के प्रयोग में लग गए हैं, जो असंभव माना जाता था, वो चांद सितारे तो कभी के उन्होंने पार कर लिए, वहां पहुंचने की राह तो कभी बना ली। एक तरफ वो छोर है, और एक तरफ ये है कि आपकी आबादी, आधी आबादी के बच्चे 80-85 के काल में स्कूली शिक्षा के ककहरे तक भी अपनी योग्यता विकसित करने की स्थिति में नहीं है। तो एक कैसी 21वीं शताब्दी में कौन सी मानवीय सभ्यता की बात हो रही है? मित्रों, यही गंभीर प्रश्न है जो उठ रहा है एक बहुत ही अभूतपूर्व एस्पिरेशन के रूप में, एक नई आकांक्षा के रूप में, कि स्कूली शिक्षा का जहां तक प्रश्न है वो सार्वजनिक होनी चाहिए। मनुष्य मात्र का बच्चा होने के नाते उसको वो ये अवसर अनिवार्य रूप से उपलब्ध होना चाहिए हर बच्चे को। और हम आज के राजनीतिक नैतिकता के तर्क से, जनतांत्रिक नैतिकता के तर्क से इस बात का प्रतिरोध कोई नहीं कर पा रहा है कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं होगा। इसलिए सवाल ये उठ रहा है 80-90 के आसपास कि अगर आपके परिवारों की ऐसी स्थिति है तो वाई आर यू वेटिंग फॉर व्हाट? किस चीज के लिए आप वेट कर रहे हो? इस बात के लिए आप तो बहुत समृद्ध राष्ट्र हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, पूंजीशाहों की गिनती करते हैं तो आपकी तो हर साल बढ़ती जा रही है कि दुनिया के सबसे ज्यादा संपन्न लोग आपके देश में हो गए। तो आप ये अभी यहां टिके क्यों हो आप इस पे कि बच्चे को शिक्षित करवाना परिवार का दायित्व है? मित्रों, ये प्रश्न दुनिया भर में उठ रहा है, इसलिए हमारे यहां उठ रहा है। ये हम नवादा नहीं है, हम पहली बार इस प्रश्न को उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये हमारी भ्रांति है, हमारी जानकारी की कमी है कि हमने शायद ये प्रश्न क्यों उठा दिया। दुनिया में उठ रहा है इसलिए हमारे यहां पे उठ रहा है। 1992 में ये प्रश्न एक वाद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में आया था। एक पिटिशनर ने यह कहा था कि प्राथमिक शिक्षा मेरा मूल अधिकार है। लोगों ने नीचे के सब कोर्ट ने कहा संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना किसी का मूल अधिकार है, नागरिक का, भारत के।
ये कहीं नहीं लिखा, देखा दो हमें कहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये, क्योंकि ये उस समय एक निर्णय दिया था 92 में कि यस ये तो कहीं नहीं लिखा है कि प्राथमिक स्कूली शिक्षा प्राप्त करना हर नागरिक का मूल अधिकार है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि वहां पे जीने का अधिकार लिखा हुआ है, जीने का मूल अधिकार हर नागरिक का है ये लिखा हुआ है। और हम तो ऐसा समझते हैं आज के युग में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार जीने के अधिकार की आत्मा है, उसका हिस्सा है। आप कहें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार है किसी बच्चे को, ये गलत व्याख्या है जीने के अधिकार की। सो ये एक मत आया वहां पे। और इस पुराना इतिहास कहां से चल रहा है जब हम ये बात कर रहे हैं, एक शताब्दी पहले से 1992 में ये मत आया और वहां ये कहा गया कि यस इस इम्प्लाइड ढंग से ये भी एक तरह का मूल अधिकार है, चाहे ये मूल अधिकारों की सूची में नहीं लिखा हुआ है। और वंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ हमारे संविधान ये है कि जब वो एक कोई निर्णय की व्याख्या करते हैं तो दैट बिकम्स द ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन, उप प्राधिकार युक्त व्याख्या मानी जाती है। और वहां से ये दबाव बना हमारे देश के राजनीति के ऊपर, देर वाज ए डिमांड कि अगर ऐसा है तो आप संविधान को करेक्ट कर लो भाई, संविधान को करेक्ट कर लीजिए। और आप सब जानते हैं कि उसी के जवाब में 10 साल लेकर 2002 में भारतीय संविधान में संशोधन हुआ, 86th अमेंडमेंट, और उसमें एक मूल अधिकारों के चैप्टर में आर्टिकल 21A ऐड किया गया और वहां लिखा गया कि 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों का प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना उनका मूल अधिकार है। ये यहाँ पे एक कहानी पहुंचती है। और मूल अधिकार जब कहा गया, अधिकार है सभी का, किसी पर पाबंदी नहीं है, सबको समान अवसर है, ये तो हमारे संविधान ने 1949 में कह दिया था। लेकिन मूल अधिकार कहने का क्या मतलब है? यहां पर देखिए, जो आधा अधूरा युग परिवर्तन हो रहा था वो संपूर्ण रूप से बदल गया चिंतन की दृष्टि से। मूल अधिकार, यहां पे मूल शब्द जो जुड़ा फंडम, ये पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट है, ये मूल अधिकार राजनीतिक विचार है, जिसका मतलब है कि ये अधिकार को पूरा करने का दायित्व किसका है? राज्य का, सरकार का, समाज का। जब उसको हम मूल अधिकार कह देते हैं कि ये नागरिक का अधिकार है जिसकी संतुष्टि करने का दायित्व राज्य और सरकार के ऊपर है, तब हम उसको मूल अधिकार कहते हैं। इसने क्या बदला? इसने युगों से आ रहा ये विचार बदला। बच्चों की शिक्षा, बच्चों को शिक्षित करवाना बच्चे और बच्चे के परिवार का दायित्व है। सरकार तो संसाधन उपलब्ध करा सकती है, स्कूल खोल सकती है, ये कर सकती है, सब कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम कहीं नहीं पहुंच रहे। और मैंने पूरी बात कही कि क्या ये चिंतन की अनिवार्यता थी और दुनिया भर में क्या ये दबाव था और दुनिया भर में क्या कुछ बदल रहा था। ये हमारे यहाँ अकेला इससे नहीं बदला, सारी दुनिया में बदल रहा था। और ये सोच और सभी राष्ट्रों से ये मांग की जा रही थी कि वो दुनिया के नागरिकों के लिए, ये मनुष्यों के जो बच्चे हैं ये दुनिया के नागरिक हैं, विश्व के नागरिक हैं, हम मानव जाति के, अपने अपने देशों में जो उनके यहाँ देशों में नागरिक, दुनिया के नागरिक रहते हैं, उनके भविष्य को आज के समाज में जीने योग्य बनाने के लिए उनके शिक्षित होने का दायित्व स्वयं समाज और राज्य बहन कर, ये एक चीज यहाँ पे होती है। यहाँ जाके वो पूरी कहानी यहाँ पे बदल जाती। इस विचार की केंद्रीय अभिव्यक्ति, मत की केंद्रीय अभिव्यक्ति हमारी संसद 2009 में आरटी एक्ट, राइट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के रूप में करती है। तो साथियों, जो मन और मंतव्य इस एक्ट का है, ये एक राजनीतिक, बड़ा राजनीतिक एक्ट है। भारत के संविधान में अनेक मूल अधिकारों का जिक्र है,
आपने किसी भी मूल अधिकार का को लागू करने के एक्ट का नाम सुना है? किसी का नहीं है। ये समानता के अधिकार को लागू करने वाला कानून है, ऐसा कोई कानून नहीं है। जीने के अधिकार को लागू करने वाला के लिए अलग से कोई कानून बनाया गया? कोई कानून नहीं। ये पहला कानून है, ये पहला इस प्रकार का कानून है जहां पर जैसे ही ये संविधान में जुड़ा कि ये शिक्षा मूल अधिकार है बच्चे को, उसके लिए उसको तुरंत लागू किया जा सके उसके लिए कानून बनाने की बात सोची गई और दुनिया भर में ये सोची जा रही है। हम अग्रणी नहीं है, हम इस मामले में पहले नहीं है, शायद हम लास्ट के उन अनेक देशों में हैं जहां पर ये बहुत तेज गति से अब इस बात को उनके राजनीतिक चिंतन में स्वीकार किया, नीति में स्वीकार किया गया है। मित्रों, उस एक्ट में अनेक बातें हैं, अनेक सेक्शंस हैं जो बहुत उपयुक्त हैं और बहुत अनुपयुक्त हैं, सोचकर बने हैं, प्राय हमारी वस्तु स्थिति के गड़बड़ा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों में संशोधन की आवश्यकता है, इससे मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन उस एक्ट का जो इंटेंट है, उसका जो मंतव्य है, उसका जो मूल प्रस्ताव है, उसकी जो मूल दिशा है, साथियों इसको देखिए, ये जिस क्षेत्र में आप कर रहे हैं बच्चों की तो स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में, ये एक नए युग का आगाज है। ये युग का अंत कर रहा है, अब तक के युग का अंत कर रहा है ये, जिसमें स्कूली शिक्षा को गैर बराबरी के तौर पर उपयोग भी किया गया, अवसरों की समानता के बावजूद गैर बराबर समाज ने जिसको व्यवहारिक रूप से संभव होने से वहां पर ये बात आ रही है कि अब हम कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में तो जनतंत्र स्थापित करें। बच्चों को स्कूल जाने का अधिकार होगा, बच्चों को स्कूल जा सकने की संभावना से उनके अंदर जो योग्यता और क्षमताएं विकसित होती हैं उसमें उनकी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, विकास संबंधी कारकों से, लिंग संबंधी कारकों से कोई भेदभाव देश में नहीं होगा। ये बहुत बड़ी उद्घोषणा है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, पहली बार हो रहा है दुनिया में। आप उस युग के स्कूल के शिक्षक हैं जिस युग में स्कूली व्यवस्था आज तक जिस अन्याय को कर रही है, उस अन्याय को स्वयं संशोधन कर रही है, उस अन्याय का अपने लिए संशोधन कर रही है और ये कह रही है कि हम अब इसको नहीं चलने देंगे, इसको अब ये स्वीकार्य नहीं है। मित्रों, सारी की सारी बात और सारी समस्या आपने सही कहा कि यहां पर जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। एक नया युग है, नया युग का मतलब कार्यक्रमों के नाम बदलना नहीं है, पुरानी चीज के लेवल बदलना नहीं है। नया युग का मतलब है असेंस में, सार में, गुणात्मक रूप से एक परिवर्तन कर देना। वो जो आज तक नहीं होता था उसकी आकांक्षा, उसका स्वप्न देखना। साथियों, एक सामान्य से बहुत ही अति सामान्य तर्क है, अगर आप परिणामों को गुणात्मक रूप से बदलना चाहते हैं तो उसके लिए पहली आधारभूत शर्त यह है कि आप इनपुट्स को गुणात्मक रूप से बदलें। कोई ये सोचे कि इनपुट तो वैसे की वैसा रहे, तो हमें यहां देखना होगा कि हमारा जो स्कूल, सार्वजनिक स्कूल, आज तक इन मापकों में, इन मानकों में, इस दृष्टिकोण में, परिवार जाने बच्चा जाने हम खोल के बैठे, जो भी रीति नीति अपनाता था, जिसको भी लाता था, बनाए रखता था, बाहर निकालता था, आगे बढ़ाता था, जो भी करता था, वो सब उपयुक्त था, वो सब सुसंगत था, वो सब कंसिस्टेंट था। कंसिस्टेंट मतलब उसके ऊपर ये दायित्व नहीं था सार्वजनिकीकरण का। बच्चा कोई भी परिस्थिति और बैकग्राउंड को हो, भाई तू ऐसा स्कूल है जिसको, इस बच्चे को सफल करना है,
ये नहीं था ऐसे एक्ट से पहले हमारे स्कूल और शिक्षक के ऊपर ये दायित्व नहीं था, उसके ऊपर दायित्व था आप स्कूल खोलिए, आप पाठ्यक्रम बनाएंगे, आप जो रीति तय करते हैं आपके लिए जो सबसे उपयुक्त लगती है वैसे आप चलाइए, स्कूल खोल के रखिए, जो आए उनको पढ़ाइए, जो नियमित आए उनको पढ़ाते रहिए, जो चले जाएं उनको छोड़ दीजिए, और जो साल भर आके भी नहीं पढ़ पाए उनको भी आप परीक्षा लेके फेल कर दीजिए, कहिए दोबारा पढ़ो, और छांटते जाइए हर साल, और छांट के 10 साल में 10 साल के सारे स्कूली मॉडर्न स्कूल की एक ही करेक्टरिस्टिक है हमारे देश में, हर 5 साल बच्चों को बाहर अथवा असफल कर देता है। एक में जो एडमिशन लेते थे 1950 यहाँ से ले लो, चाहे 1900 से लेके 2000 तक का, स्कूलों की करेक्टरिस्टिक ये है कि वो कक्षा एक में जितने भी बच्चे आते थे, वो यूनिवर्सलाइजेशन छोड़ दो, जो भी आते थे आधे 5 कक्षा से पहले बाहर, और जो 6वीं में आते हैं उनके आधे 10वीं से पहले 10वीं के बाद तक बाहर, और जो बचते हैं वो बच गए। हम छांट रहे थे, छटाई कर रहे थे, योग्य में अयोग्य में बच्चों को बांट रहे थे, और जो हमें मानते थे कि जो योग्य हैं बच्चे योग्य हैं, या जिनके परिजन योग्य हैं, जो परिवार योग्य है, जो बच्चे को योग्य बना रख पाते हैं सारी स्थितियों के बावजूद स्कूल में भेजते रह सकते हैं, स्कूल की मांग और कमी कोई पूर्ति करके भी उनकी उपलब्धि को सुनिश्चित करते रह सकते हैं, हमारा स्कूल उनके लिए काम करता है और बाकायदा सर्टिफाई करते हैं हर साल में कौन सफल है, कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, हम ये सब करते हैं ये काम। इस पर कोई प्रश्न नहीं था, एक भी प्रश्न, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक नैतिक चिंतन इसमें कहीं भी आपको टोक नहीं रहा था, वो मान रहे थे कि भाई ऐसा ही होता है, कुछ सभी तो पढ़ भी नहीं सकते, सभी स्कूलों में आ भी नहीं सकते, आ भी जाएंगे तो सब योग्य नहीं होते, पढ़ने लायक नहीं होते, सब पढ़ जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, और भी तरह के काम तो दुनिया में करने हैं, औरतें ही पढ़ जाएंगी तो घर कौन चलाएगा, है ये सब बहुत सारे, तो कोई सवाल नहीं था। हमारी सारी व्यवस्था अपने ढंग से काम करते चलो, ईमानदारी से, वो तीनों बात थी, जो उसके साथ चल सके बहुत बढ़िया है, जो नहीं चल सके कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वी वर वेरी कंसिस्टेंट स्कूल, और हमारा पूरा स्कूल का ढांचा, उसका समस्त क्रियाकलाप, उसका समस्त दृष्टिकोण, उसकी रीति नीति, उसका हर नियम उस स्थिति के अनुसार बना हुआ है। आज आप एकदम बदले हुए सिद्धांत और अपेक्षा पर हैं। बात यह हो रही है मित्रों, हम सहमत हैं या ना हो उससे, ये हमारा सोच है। मनुष्यों का हर बच्चा 1-2% बहुत ही गंभीर मानसिक दिमागी अस्वस्थता के कारण से उन्हें छोड़ दीजिए, 2% से लेकर 4% इज द मैक्सिमम डिसेबिलिटी, 1-2% है जो प्रॉब्लम करती है। मनुष्यों का कोई भी 98% बच्चे दुनिया भर के प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में उनसे जो सीखने की अपेक्षा की जाती है, जिस तरह की योग्यता समझ और अवधारणा और कौशलों के निर्माण की उनसे आप मांग कर रहे हैं, मनुष्यों के 98% बच्चे निसंदेह उसको प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। ये दुनिया भर के शिक्षकों, शैक्षिक शोधकर्ताओं, मनोवैज्ञानिकों का एकमत निष्कर्ष है। शिक्षा और मनोविज्ञान दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग एकमत होते ही नहीं है किसी बात पे, ये कुछ चंद एक बातें हैं जिन पर वो एकमत हैं कि सभी सामान्य बच्चे 2-3% बच्चों को छोड़ दो, वो प्राथमिक कक्षाओं में जो आप उनको एबिलिटी के टास्क और चैलेंज देते हैं उनमें वो सफल, औसत स्तर पर सफल होने के योग। और आपका अगर राजनीतिक नैतिकता ये कहती है देश और मानव जाति के नाते कि ऐसी स्थिति में ये समस्त बच्चों जो चाहे जैसे बैकग्राउंड से हों, पारिवारिक बैकग्राउंड से, हमें उनको स्कूलों में लाना है, बनाए रखना है और सिखाने में सफल करना है, क्योंकि शिक्षा का मूल अधिकार 3 चीजें हैं, उसमें उसको 3 अलग तरह से पढ़ा जा सकता है, अभी भी इस लाइन को
बच्चों का पर जहां जुड़ जाता है सभी बच्चों का, ऑल चिल्ड्रन। जब आप ऑल जोड़ देते हैं तो वो बहुत डिफरेंट हो जाती है, चिल्ड्रंस राइट एंड ऑल चिल्ड्रंस राइट। और जो एजुकेशन है उसको अगर एजुकेशन को शिक्षा का अधिकार के साथ में समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर जोड़ देते हैं तो ये शिक्षित होने का अधिकार के बारे में कई अभी व्याख्याएं चल रही हैं कि शिक्षित होने का अधिकार का मतलब क्या है। स्कूल में नाम दर्ज करवाने का अधिकार, रजिस्टर में नाम लिखवाने का अधिकार, या यदा कदा आपके रहने का अधिकार, और सीखो तो सीखो नहीं सीखो तो नहीं सीखो, 5 साल आए इसका प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार, ये अधिकार है क्या शिक्षित होने का अधिकार? इसके लिए करवट ले रहा है क्या हमारा युग? कोई भी समझदार आदमी इसको कहेगा ये तो बड़ी अजीब व्याख्या है इस अधिकार की। शिक्षित होने का अधिकार है हर परिस्थिति में जी रहे बच्चे को 5-10 वर्ष की उस अवसर से गुजरने का अधिकार जिसमें वो प्राथमिक शिक्षा के औसत योग्यता क्षमताओं को उसके माध्यम से विकसित कर सके और अपने समय के दूसरे बच्चों के साथ समान रूप से खड़ा हो सके, ये उसका अधिकार है। ये शिक्षा का अधिकार फेल होने का अधिकार नहीं है। प्रश्न ये, अगर हम ये कहें कि फेल होने का अधिकार है, आ जाओ और फेल होके चले जाओ, तो ये नहीं कब कपूर कहा जा रहा है, वो आके फेल तो बहुत समय से हो रहे हैं। प्रश्न ये आ रहा है कि सब आए और सब औसत स्तर पर सफल हों, ये एक अधिकार की बात हो रही है। और मित्रों जो युग परिवर्तन हो रहा है वो इस जगह पर हो रहा है, हम इससे परेशान भी हैं, हम इसको अजीब भी मान रहे हैं, जो कुछ भी मान रहे हैं, परंतु आप में से कितने लोग हैं आज भी इस बात को कहना चाहते हैं कि भाई ये पढ़ना लिखना कुछ लोगों का जो कर सकते हैं उनके ही अधिकार होना चाहिए, सबका नहीं होना चाहिए। कितने आप में से मानते हैं अभी भी कैसा हो रहा है? कोई नहीं मानता। आप सब ये जानते हैं कैसा होना चाहिए और आप ये सारे मानते भी हैं कैसा होना चाहिए। अब ये जो मसला है वो किन बच्चों का है? जिन बच्चों की आपने सही कहा कि 5 और 10 पीढ़ियां पढ़ी लिखी हैं, जो हर तरह से उनके जीवन इतने समृद्ध और संतुलित हैं कि वो चाहे जैसे निर्णय कर सकते हैं, सपने देख सकते हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, वो एक भी बच्चा वो आपके स्कूल में नहीं, एक भी बच्चा, कह रहा हूं तो मैं नोशनल एक सांकेतिक कह रहा हूं, इसको ऐसे मत लेना कि नहीं वो 2-4 तो आते हैं, उनमें से अधिकांश बच्चे नहीं आते हैं आपके। और ये जो शिक्षा के अधिकार से वंचित थे वो बच्चे भी नहीं थे, वो बच्चे नहीं थे और ना वो आपके पास आते हैं। वो तो पहले भी प्राप्त कर रहे थे और सब सफल हो रहे थे और जो जाते थे वो जगह वो है प्राइवेट स्कूल, एक समानांतर व्यवस्था। और मैंने कहा कि ये 60 के दशक के बाद उत्पन्न हुई है। मैं जब पढ़ता था जिले में एक प्राइवेट स्कूल नहीं था मेरे जिले में, तो ये 50-60 साल में हमने समान अवसरों के काल में उत्पन्न की है ये व्यवस्था। वो तो हमको सब छोड़ के चले गए, वो तो उन्होंने एक परलोक बना लिया है। वो आप जमीन की बात कर रहे हैं, जमीनी हकीकत की बात कर रहे हैं। जमीनी हकीकत ये है कि हमारे स्कूलों में वो बच्चे आ रहे हैं जिनके साथ हजारों वर्षों से अन्याय हुआ है शिक्षा प्राप्त करने के साथ।
हमारे स्कूलों में जो बच्चे आ रहे हैं मित्रों, हमको वो अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं पता नहीं। भावात्मक रूप से हम उनको देख के उत्साहित होते हैं या नहीं होते हैं पता नहीं। उनके बैकग्राउंड, उनकी परिस्थितियों को देख के, उनके परिजनों को देख के कितना हमारा मनोबल बढ़ता है पता नहीं। होता है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो साथियों बात ये हो रही है कि ये एक यथार्थ है। आप और हम उस स्कूल के संवाहक हैं जो स्कूल अब तक जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ पहली बार न्याय करने का आशय निर्मित कर रहा है। मैं न्याय करूंगा, इस अन्याय को बदलूंगा। इस स्थिति का सीधी सी इबारत यह है, आपके पास वो बच्चे आते हैं जो पृष्ठभूमि से ना केवल असमर्थित हैं बल्कि बाधित भी हैं, जिनके मार्ग में अनेक बाधाएं हैं, रोज रोज स्कूल आना पढ़ लेने में भी, आप जो कहते हैं उस भाषा को समझने में भी, उसको कोई घर पे समझाने वाला नहीं है, कोई समर्थन करने वाला नहीं है। पूर्णतः अमस असमर्थित बच्चे जिनके स्कूल में आने और बने रहने में भी अनेक बाधाएं हैं, वो बाधाओं वाले बच्चे हमारे पास आते हैं और हमारे होने का, आज की तारीख में हमारे होने का एकमात्र मकसद अगर कोई है, केंद्रीय मकसद कोई है, तो वो ये है कि इन बच्चों के साथ जिनके साथ हजारों वर्षों से अन्याय हुआ है, हम समानता का अन्याय कर सकें इनके साथ। ये जो बच्चे 5, 6, 2, 3 साल क्योंकि आईटी की वजह से 2-2, 3-3 साल बाद लेट आ रहे हैं सब, 7-8 वर्ष का हो गया तब चला रहा है, 9 वर्ष का हो गया 3 साल बाद आ रहा, आना था 5, 6, 6 पे, ये 3 साल लेट आ रहा है, ये लड़की 3 साल लेट आई है। मैं एक दिन सोच रहा था तो मुझे लगा भाई ये 3 साल लेट नहीं आई है, ये शायद 5,000 3 साल बाद आई है, ये शायद 3,000 3 साल बाद आई है। इससे पहले कितनी ही महिलाओं ने इसकी माताओं और परमाताओं और उनके रूप में कितनी पीढ़ियों में जन्म लिए हैं, परंतु स्कूल में आने की कभी उनकी कोई स्थिति नहीं बनी है। ये उस श्रृंखला का हिस्सा है जो आपके पास आ रही है, इसको 1-2-3 साल लेट आने में मत देखो, इसको पहचानो ये कौन है और ये कैसी आकांक्षाएं है हमारे वर्तमान समाज की कि हम सब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। और हम एक आज ये समाज एक ऐसे स्कूल की मांग कर रहा है जो इन सब बच्चों को ला सके, बनाए रख सके और सफल कर सके। मांग ये है, ये इतिहास में पहली बार ये मांग आ रही है, इसलिए हम ये कहते हैं हम और आप शिक्षा के इतिहास में एक नए युग के अग्रदूत के रूप में है। ये नया युग हमारे साथ आ रहा है, न्याय का युग, सबको समान अधिकार का युग। इसकी चुनौतियां हैं, बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन इस नए युग का अर्थ और महत्ता इसी में है कि हम इन चुनौतियों को परास्त कर सकने वाले स्कूल और शिक्षक का निर्माण कर सके। हमारी तो सारी बात ही ये है। तो मित्रों, हमें हर चीज को एक बार उलट पुलट कर देखना होगा कि अगर ऐसे बच्चों को लाया, बनाए रखा और सफल किया जाए तो पढ़ने पढ़ाने की, आकलन की, मूल्यांकन की, परीक्षा की, इसकी और उसकी विधा की, तौर तरीकों की, नियम कानूनों की, हमारी पहली जो बड़ी भारी पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में कहां कहां परिवर्तन करने की आवश्यकता है, उस वातावरण में, उस रीति नीति में कहां कहां परिवर्तन की आवश्यकता है। एक ही कसौटी है हमारे पास, मेरे पास हर बच्चा आए और जो हर बच्चा आएगा मैं उसको बनाए रखूंगा और मैं उसे, क्योंकि वो उन बच्चों में से है जो आप, जहां तक उनके क्षमता और पोटेंशियल का सवाल है, वो सफल हो सकते हैं प्राथमिक कक्षाओं में। मैं ऐसे प्राथमिक कक्षाओं और कक्षों का निर्माण करूंगा कि उसमें कोई बच्चा फेल ना हो, हर बच्चा उसमें सफल हो। इसलिए इस फेल शब्द को कुछ लोगों का सुझाव है कि भाई हमारे शिक्षा के वर्तमान शब्दकोश में से इसको हटा दो। हमारा राजकीय स्कूल और राजकीय शिक्षक अब फेल करने वाला शिक्षक नहीं है, वो ऐसा एक प्रवर्तक है, वो ऐसा एक शोधकर्ता है, वो एक ऐसा नई विधाओं का सृजक है
नए वातावरण संबंधों का सृजक है जो हर बच्चे को सफल करने पर जिसकी दृष्टि है। आगे पीछे बच्चे चलेंगे, देर सवेर आएंगे, थोड़ी चीज में देर लगाएंगे, पर 5 साल बहुत होते हैं लिखना पढ़ना गुणा बाकी सिखाने के लिए। आप इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। आप इतना सुनिश्चित कर दीजिए 5 वर्ष में ये बच्चा, यहाँ जब आया मैंने लिखा था 5-6 साल में 11-12 में हो तो लिखना पढ़ना आ जाए, इसको आरंभिक गणित संख्या ज्ञान और संक्रियाएं आ जाए। आपसे यही मांग की जा रही है। इसमें क्या फेल करना चाहते हो? इसमें फेल करने का मतलब है बंद कर दो, वहीं लौट जाओ, उसी स्थिति को बनाए रखो, उसी स्थिति को बनाए रखो। बुनियादी लेखन पठन और अर्थमेटिक्स की योग्यताएं क्षमताएं हर बच्चा हासिल कर सकता है 5 साल में। आप कोई रीति बना लो, ये सब CCE, CCP, SIQE, RTE सब छोड़ दो आप। और मित्र बात अनेक नहीं हो रही है, इन सारी बातों में एक ही बात थी, छोटी छोटी आवाज, यदा कदा उठने वाली आवाज अब एक ही विचार और गूंज के रूप में आ रही है। राज्य के विद्यालयों में वो बच्चे हैं जो असमर्थित बैकग्राउंड से हैं, बहुत ही बाधापूर्ण स्थिति में हैं, लेकिन आज राज्य के विद्यालयों का होने का एक ही अगर कोई मकसद और अर्थ और उद्देश्य है तो इन बच्चों को सफल करना हमारा उद्देश्य है। आइए हम अपने पूरे के पूरे वातावरण और विधि विधाओं और सोच विचार और संबंधों में ऐसा कुछ संशोधन करें कि ये बच्चे सारे हमारे सफल हो सकें। हम एक ऐसे इतिहास के पायदान पर खड़े हुए लोग हैं। और मित्रों, आज के जमाने में, आज के समय में इससे ज्यादा बुनियादी राजनीतिक कोई बात हो नहीं सकती। इसलिए मैंने कहा था, मैं ये मानता हूं आज का राजकीय विद्यालयों का शिक्षक सर्वाधिक सबसे आगे बढ़ा हुआ राजनीतिक कार्य करता है। वो एक राजनीति को बदल रहा है, समाज में नागरिकों के अवसर और अधिकारों की क्या स्थिति होनी चाहिए वो इसका संशोधन कर रहा है। इससे बड़ी कोई राजनीति नहीं है, ये बहुत बड़े काल के राजनीतिक प्रवाह को बदल रही है। इस अर्थ में हम ये पहचाने कि हम कौन हैं, हमारे स्कूल कौन हैं, उनका मकसद क्या है, उनसे अपेक्षा क्या है। आप उन्हें विचार कर लेना, अच्छी तरह से अपन बात कर लेंगे कि वहाँ ये फेल कितना केंद्रीय रूप में आता है कि 5 साल बाद भी हम फेल करना चाहते हैं, इसको आना चाहिए क्या? समस्याएं होंगी, बहुत होगा, ये चुनौती है, इसलिए ये परिवर्तन की मांग कर रही है हमसे। और हमको टटोलना ये है कि हमको क्या क्या बदल लेना है अपने आप, अपने स्कूल में। और ये सारे कार्यक्रम आपको केवल ये स्मरण दिलाने के लिए ही है। इसमें देखिए, मेरा तो आपसे पुरजोर निवेदन है, एक भी बात इस मूल कसौटी के बाहर कोई आपसे करे तो आप बिल्कुल अस्वीकार कर दो, बिल्कुल मत मानिए। और जो आप फिर अंत में बचेगी अपने पास वो ही सच्ची SIQE, CCE, CCP जो भी कह लो वो ही वो है अंत में। तो बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।